नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिस चीज का प्रयोग हमारी दादी परदादियां बरसों से करती आ रही हैं पेट की गैस ठीक करने के लिए, और आजकल की मम्मियां भी उसको किसी न किसी फॉर्म में यूज करती हैं घर के यदि किसी मेंबर को गैस की तकलीफ होती है तो। हाँ दोस्तों, याद कीजिए, जब घर में किसी छोटे बच्चे को गैस की तकलीफ हो जाती है तो उसके पेट में क्या लगाया जाता है, उसे क्या खिलाया जाता है। आई नो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने गैस कर लिया होगा। मैं हींग के बारे में बात कर रही हूँ जो हम सबके घर के मसालों के डिब्बों में होता ही है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हींग से बनने वाली दवाई, होम्योपैथिक दवाई एसेफोर्टिडा के बारे में, जो बहुत ही कारगर है पेट की गैस के मामले में। तो चलिए शुरू करते हैं। एसेफोर्टिडा एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन होती है जो हींग से बनी हुई होती है, और होम्योपैथी में मेडिसिन बनाने की प्रोसेस में इसकी ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी जो होती है इन्हेंस हो जाती है, इसलिए ये बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों पेट की गैस में। आजकल रिफाइंड फ्लोर का खाने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण और ऑनलाइन वर्क के कारण, दिन भर बैठकर काम करने के कारण पेट में गैस की समस्या बहुत ज़्यादा होने लगी है। और इस गैस की समस्या को यदि हम लोगों ने अर्ली स्टेज में ठीक कर लिया तो ठीक है, नहीं तो बाद में ये गैस शरीर के दूसरे हिस्सों में भी इकट्ठा होना शुरू हो जाती है और प्रॉब्लम क्रोनिक हो जाती है और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यह मेडिसिन उस तरह की गैस की तकलीफ में बहुत अच्छा काम करती है जहाँ पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उसके पेट में गैस भरी हुई है और उसके कारण उसका पेट बहुत फूला फूला लगता है, उसे लगता है कि उसकी गैस पास नहीं हो पा रही है और पेट में ही घूम रही है, और इसके कारण उसको अपने पेट में, अपने गले में एक गोला सा फंसा हुआ महसूस होता है, और वो गैस ना पास करने के कारण उसे बेचैनी होती है, घबराहट होती है, वो पसीने पसीने हो जाता है। इस कंडीशन को मेडिकल टर्म में हम ग्लोबस हिस्टेरिकस कहते हैं। इसमें पेशेंट को गैस के साथ साथ छाती में एसिडिटी या जलन की शिकायत भी होती है और पेशेंट को पेट में दर्द होता है जो स्पाज्मोटिक कैरेक्टर का होता है, मींस उसको रुक रुक का पेन होता है, और पेशेंट को लगता है पूरी गैस जो है पेट में घूम रही है, पास नहीं हो रही है, और यदि बहुत मुश्किल से पास भी होती है तो एक लाउड आवाज़ के साथ, और इसी के साथ पेशेंट को डकार की भी तकलीफ देखी गई है और वो भी लाउड इरेक्टेशन के फॉर्म में ही पास होती है, निकलती है। इस मेडिसिन को गैस की दोनों तरह की तकलीफ में ले सकते हैं, मींस एक्यूट में भी ले सकते हैं और क्रोनिक में भी यूज़ कर सकते हैं। एक्यूट कंडीशन मींस ये होता है कि पेशेंट को नॉर्मली गैस की तकलीफ नहीं होती है लेकिन कुछ उल्टा सीधा खाना खाने के कारण उसके पेट में गैस बनने लगती है जिससे उसको डकार आने लगती है, गैस पास नहीं होती है, तब एसेफोर्टिडा का बहुत अच्छा रोल है दोस्तों। इसमें 3 से 4 बार फ्रिक्वेंट डोजेस ले सकते हैं एसेफोर्टिडा 30 के, 4 to 5 पिल्स एट अ टाइम लेनी होती है इसमें, और यदि ड्रॉप फॉर्म में ले रहे हैं तो 2-2 बूंद एक बार में ले सकते हैं। और यदि गैस की बीमारी क्रोनिक है और पेशेंट को बार बार गैस की तकलीफ हो जाती है, 15 दिन में 7 दिन में पेशेंट को बार बार यदि गैस की तकलीफ हो रही है तो भी एसेफोर्टिडा बहुत अच्छा काम करती है। उस टाइम एसेफोर्टिडा की 200 की पोटेंसी लेना चाहिए, और लॉन्ग टाइम तक यदि दिन में 2 बार लेते हैं तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है दोस्तों। दोस्तों, गैस की बीमारी में केवल एसेफोर्टिडा खाने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा खाने में परहेज भी रखना पड़ेगा। स्पेशली आपको बाहर का जंक फूड, ऑयली फूड, रिफाइंड फ्लोर बिल्कुल अवॉइड करना है, और आप अपने खाने में ग्रीन वेजिटेबल्स, वेजिटेबल सैलेड, फ्रूट सैलेड ज़्यादा मात्रा में लीजिए, पानी ज़्यादा मात्रा में पीना है, कोशिश कीजिए कि बॉडी को डिटॉक्स करिए। यदि किसी कारण से आपने बाहर का खाना ज़्यादा खा लिया है, ओवर ईट हो गया है, तो उस दिन तो आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना ही है, और डिटॉक्स करने के लिए उस दिन खूब सारा ग्रीन वेजिटेबल्स खाना है, पानी पीना है, फ्रूट्स खाना है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में हम जो फाइबर खाते हैं, वो फाइबर हमारे पेट में झाड़ू का काम करता है और हमारी आंतों की सफाई करता है और मोशन को बनाने में हेल्प करता है, जिससे कारण मोशन अच्छा होता है तो गैस की तकलीफ जो होती है वो ऑटोमेटिकली नहीं होती है। आप यदि ये होम्योपैथिक मेडिसिन एसेफोर्टिडा लेते हैं और साथ में अपने खाने का परहेज करते हैं, जंक फूड अवॉइड करते हैं, तो यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी दोस्तों।
दोस्तों, यदि आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपके गैस की तकलीफ को ठीक करने में हेल्प करता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, माई चैनल। थैंक यू।